राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगर मान लीजिए आप इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भर दें, हाइड्रोजन गैस भर दें, ठीक है भाई, और हाइड्रोजन गैस भरने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, करंट फ्लो करें, तो करंट फ्लो करने के बाद यहां आपको रेडिएशन मिलेंगी। हाइड्रोजन गैस भर दी, करंट पास किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, या फिर मैं कहूं विकिरण निकली, रेडिएशन निकली, ठीक है भाई। और इस रेडिएशन का जब स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा स्पेक्ट्रम लिया गया, तो उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें थी, यानी आपको क्या प्राप्त हुआ बताओ, लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई, लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, करंट पास किया, रेडिएशन निकली, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा स्पेक्ट्रम लिया, लाइन स्पेक्ट्रम आपको मिल गया। क्या मिल गया भाई, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था, इस लाइन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था बामर, उस बामर ने इस प्रकार की बहुत सारी लाइनें देखी जो कि आपकी विजिबल रीजन में थी, ठीक है। और इन लाइनों को इस बामर ने बोल दिया बामर सीरीज। क्या बोला भाई, बामर सीरीज बोला। और ये जो बहुत सारी लाइनें मिली, बामर सीरीज बोल दिया उसको, कौन से रीजन में थी, वो विजिबल रीजन में थी, ठीक। लाइनों का जो न्यू बार है उसको निकालने के लिए बामर ने एक फार्मूला दिया, एक बटा दो का स्क्वायर माइनस एक बटा एन का स्क्वायर, ये फार्मूला दिया बामर ने, जो बामर सीरीज दी थी उसने, बामर ने सबसे पहले उसमें ये फार्मूला दिया उसने न्यू बार निकालने का। ये जो स्पेक्ट्रम लाइन थी, उस स्पेक्ट्रम लाइन का न्यू बार निकालने का ये फार्मूला दिया बामर ने, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को बाद में एक साइंटिस्ट रेडबर्ग ने चेंज कर दिया, और रेडबर्ग ने चेंज करने के बाद इसको दे दिया वन अपॉन लैम्डा या न्यू बार या आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, जिसमें आर आपके पास है रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है भाई। तो ये न्यू बार निकालने का फार्मूला है, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात ये थी कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अपन कर रहे हैं, अपन ने क्या किया था, देखो हाइड्रोजन गैस थी, उस हाइड्रोजन गैस में आपने क्या किया बताओ, करंट पास किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, तो ये हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम में टूट गई, आपको हाइड्रोजन के परमाणु मिले, और इस हाइड्रोजन एटम का जब इलेक्ट्रॉन
जीएस से ईएस में गया और जब वापस ईएस से जीएस में आएगा तो आपको क्या मिलेंगी बताओ, स्पेक्ट्रम लाइन मिलेंगी। क्या मिलेंगी? स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी भाई। तो इलेक्ट्रॉन जब जीएस से ईएस में जाता है एनर्जी लेकर के और जब वापस ईएस से जीएस में आएगा तो आपको स्पेक्ट्रल लाइनें मिलेंगी भाई। और इन्हीं लाइनों को सबसे पहले बामर ने देखा, बामर सीरीज नाम दे दिया और उनका न्यू बार उसने कैसे निकाला। फिर मैं कह रहा हूं कि जब आप हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पर लेकर के वहां इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, करंट देते हैं उसको, तो उसमें होगा क्या, रेडिएशन निकलेंगी, विकिरण निकलेंगी। और वो क्यों निकल रही है? इलेक्ट्रॉन जीएस से ईएस में चल जाएगा, ईएस से जब वापस जीएस में आएगा तो वो जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी बाहर निकालेगा। इस ईएस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं रुकता, -6 से 10^-8 सेकंड तक रुकता है और रुकने के बाद वापस आएगा। वापस आएगा तो आपको स्पेक्ट्रल लाइनें मिलेंगी, ठीक है। अब बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग रीजन में इन लाइनों की स्टडी की। सबसे पहले जो स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था वो था भाई बामर। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने लाइनें खोजी। कौन कौन से आए, कौन कौन सी श्रेणियां दी? सबसे पहले देखें लाइमन श्रेणी, बामर, पाश्चन, ब्रेकट, फुंड और हम्फ्री। तो लाइमर है, बामर है, पाश्चन है, ब्रेकट है, फुंड है और हम्फ्री है। ये आपके पास 6 सीरीज है। ठीक है भाई, इनके हिंदी, ये हिंदी, हालांकि देखो ये हिंदी में बोल दो, इंग्लिश बोल दो, एक ही बात है, मैं इधर हिंदी में और लिख दूंगा। तो ये आपके पास है 6 श्रेणियां, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रेकट, फुंड और हेम्फ्री। तो इलेक्ट्रॉन जब जीएस से ईएस में जाएगा और वापस जब ईएस से जीएस में आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो आपको ये लाइनें मिलेंगी। अब इन लाइनों की अगर आप बात करें तो देखो, मैं ऐसा करता हूं, इसी सीरीज को अपन कन्वर्ट कर देंगे आगे ये लो। तो मैं इसकी क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा। तो टेबल बनाने के लिए अपन इसको अभी से ही ये लो। तो ये तो है क्या भाई, स्पेक्ट्रल लाइनों की सीरीज, ठीक है। आगे क्या देखते हैं इसमें, देखो आगे मैं क्या करता हूं भाई कि इसमें अपन लाइनें बनाते हैं। देखो देखो एक चीज और ध्यान रखना भाई, लाइनों के बीच गैप कम ज्यादा हो सकता है, अपने पास कोई स्केल है नहीं, ऐसे ही बनाइए मैंने, है ना। ये लाइन है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है, ये n बराबर 6 है और ये n बराबर 7 है। 7 लाइनें हैं, ठीक है भाई। अब इन 7 लाइनों में से अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n बराबर 1 से n बराबर 7 में चला गया, वहां से वापस आएगा, तो वहां से जब वो वापस आता है तो उसको कौन कौन सी लाइनें मिलेंगी उसकी बात अपन यहां करते हैं। 7 से 1 में आ गया, सात से हो सकता 6 में आ जाए, फिर 6 से वो 1 में आ जाए, 5 से 1 में आ जाए, 4 से 3 से 2 से
एक में आ जाए, ठीक है। यह आपको मिल गई पहली श्रेणी लाइमन श्रेणी। दूसरी श्रेणी में क्या है, एन बराबर टू में आएंगे, एन बराबर टू में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो एन बराबर टू में बढ़ा देते हैं। यह आएगा बस, ये लो भाई, ये दूसरी सीरीज है आपके पास। ये लाइमन होगी, ये बामर होगी, पाश्चन की बात करें ये पाश्चन हो जाएगी। इसमें एन बराबर तीन में आएगा, ये श्रेणी है भाई। तो पहली जो श्रेणी आपके पास ये है भाई लाइमन। दूसरी ये आपके पास है क्या, बामर। ये आपके पास है कौन सी, पाश्चन। ये आपके पास है कौन सी, ब्रेकट। और ये आपके पास है फुंड। और ये है हेम्फ्री। तो लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, ब्रेकट है, फुंड और हेम्फ्री है। ये सात सीरीज है आपके पास, एन बराबर एक दो तीन चार पांच छह सात। तो लाइमन में क्या होगा भाई, निम्न ऊर्जा स्तर तो कौन सा है, एन बराबर एक। उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा है, दो तीन चार पांच छह सात। लाइमन की बात कर दूं, एन वन एक, एन टू दो तीन चार पांच। ऊपर जाकर के अपन अपनी सीरीज में ये चीज लिख देते हैं, जो अपन टेबल बना रहे हैं, एन वन और एन टू। एन वन का मतलब जिसमें आएगा, एन टू का मतलब जिससे आएगा। तो लाइमन में वो एक में आएगा, इसमें दो में, इसमें तीन में, इसमें चार में, इसमें पांच में, इसमें छह में। कहां से आएगा लाइमन में, एन वन बराबर एक, यानी पहले कोश में इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले सेल में आएगा। कहां से, दो से, तीन से, चार से, पांच से, इन्फिनाइट से। दो में आएगा, तीन से, चार से, पांच से, इन्फिनाइट से। तीन में आएगा, चार से, पांच से, छह से, इन्फिनाइट से। चार में आएगा, पांच से, छह से, सात में, इन्फिनाइट से। पांच में आएगा, छह से, सात में, आठ में, इन्फिनाइट। और छह में आएगा, सात से, आठ से, इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये सीरीज आपके पास लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, ब्रेकट है, फुंड और हेम्फ्री है। छह श्रेणियां हैं। ये आपके पास एन वन है, एक दो तीन चार पांच छह। ये आपके पास एन टू है, जिसमें एन टू में वो दो से, तीन से, चार से, पांच से, छह से, सात से आएगा। लाइमन में वो दो से आएगा, तीन से आएगा, चार से आएगा, पांच से आएगा। बामर में वो तीन से, चार से, पांच से। पाश्चन में इससे आएगा। दोबारा आप जाकर के वहां देख ले, हेम्फ्री एन बराबर सिक्स में आ रहा है सात से, हेम्फ्री सिक्स में आ रहा है सात से, आठ से। फुंड में पांच में आ रहा है छह सात आठ से, ठीक है भाई। तो देखिए लाइमन में एन वन बराबर एक, यानी पहले कोश में इलेक्ट्रॉन आएगा उच्च ऊर्जा स्तर से। बामर में एन बराबर दो से आएगा उच्च ऊर्जा स्तर से। पाश्चन में एन बराबर तीन में आएगा उच्च ऊर्जा स्तर से। ब्रैकेट में वो एन बराबर चार से आएगा ऊपर से, पांच में आएगा ऊपर से, छह में आएगा ऊपर से, ठीक है। लाइमन की अगर आप बात करें तो लाइमन आपको दिखेगी किसमें भाई, यूवी में। यह आपको दिखेगी किसमें, विजिबल में। ये इसके रीजन हो गए। और ये जो बाकी जो बच गई, जैसे ये है, ये नियर आईआर, ये आपके पास फार आईआर, फार आईआर, फार आईआर, या फिर आप फार वार मत लिखो,
सिंपल ये लिख दो कि लाइमन यूवी में आपको दिखेगी, बामर आपको विजिबल में दिखेगी, और बाकी सारी जो बच गई है ये आपको आईआर रीजन में दिखेंगी। ऊपर लिखा था हूं कि कौन से रीजन में आपको दिखाई देगी। लाइमन आपको कहां दिखाई देगी भाई? यूवी में, ये विजिबल में, बाकी सारी आईआर में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपके पास हो गया, अब अगर अपन क्या करते हैं बात इसमें, तो देखो भाई इसमें आपको क्या देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन जब जीएस से ईएस में जाएगा और वापस ईएस से जब जीएस में आता है तो बहुत सारी लाइनें मिलती हैं, और वो लाइनें लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, पास्टन श्रेणी है, ब्रेकट है, फुंड है और हेमफ्री है। ये आपके पास छह श्रेणियां मिलती हैं भाई। ये श्रेणियां कौन कौन से क्षेत्र में आपको मिलेंगी? लाइमन यूवी में मिलेगी, बामर विजिबल में मिलेगी, पास्टन आईआर में, ब्रेकट आईआर में, फुंड आईआर में, हेमफ्री आईआर में। ठीक है, ये श्रेणी आपको मिलेंगी। अब बात एक चीज आपको बताऊं, यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है भाई कि अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से तल में आता है तो नंबर ऑफ लाइन कितनी मिलेंगी? तो आपको यहां नंबर ऑफ लाइन निकालनी है। उस नंबर ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला क्या होगा भाई? वो फार्मूला है n n माइनस वन बाई टू। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा वो कि छठे सेल से वो तल में आ रहा है, ग्राउंड में आ रहा है। ठीक भाई, सिक्स सेल छठे सेल से ग्राउंड में आ रहा है तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी? बड़ा सिंपल है भाई, छह माइनस एक बटा दो कितना आ जाएगा? छ पांच बाई दो, छह पंजो तीस बटा दो बराबर पंद्रह लाइन। पंद्रह लाइन आपको यहां मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, जैसे मान लो आपसे कहेगा कि भाई टेंथ सेल से वो ग्राउंड में आ रहा है, नंबर ऑफ लाइन क्या होंगी? फार्मूला अपने पास है n n माइनस वन बाई टू, दस दस माइनस एक बटा दो, दस गुणा ये नौ हो जाएगा बटा दो, ये हो जाएगा आपके पास नब्बे बटा दो बराबर पैंतालीस लाइन होंगी अगर इलेक्ट्रॉन दसवें सेल से ग्राउंड में आता है तो। ठीक है, अब एक दूसरा फार्मूला हो रहा है, ये तो कह रहा वो कि ऊपर से तल में आ रहा है, और अगर मान लो ऐसे कह दे वो कि n2 से n1 में आ रहा है तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी? यानी वो कह रहा है कि छठे से दूसरे में आ रहा है, नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी? n2 कितना हो गया? छठा। n1 कितना हो गया? दो। यानी यहां पर पता है क्या है, ये n2 क्या है, n1 क्या है, कहां से आ रहा है? n2 से। तो n2 तो क्या हो गया? हायर एनर्जी लेवल, या फिर इसको मैं es कह दूं। n1 gs है, ग्राउंड स्टेट है ये मान ले आप। ठीक है, या ये मैं इसको बोल दूं हायर एनर्जी लेवल और इसको लोअर एनर्जी लेवल, ये दो एनर्जी लेवल हो गए। ठीक है, फार्मूला क्या है? फार्मूला आपके पास है n2 माइनस n1 प्लस वन, n2 माइनस n1 बाय टू, ये फार्मूला आपके पास। अब वो कह रहा है कि छठे से दूसरे में आ रहा है, छठे से दूसरे मारा तो फार्मूले मान रख दो
छठा माइनस एन वन कितना है, दो प्लस एक, छ माइनस दो बाई टू, गुणा भाग है, आप गुणा भाग कर ही लेंगे भाई, ठीक है। तो दो फार्मूले हो गए आपके पास, दोनों फार्मूले यहां लिख दूं, एन एन माइनस वन बाई टू और एक एन टू माइनस एन वन प्लस वन एन टू माइनस एन वन बाई टू। ये तो है जब हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड में आता है तब, और ये होगा कब, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है, एन टू से एन वन में आएगा, छठे से दूसरे में, छठे से तीसरे में, छठे से पांचवें में, दसवें से दूसरे में, दसवें से आठवें में, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दसवें से ग्राउंड में आता है, तल में आता है, ये फॉर्मूला लगेगा। एन की जगह दस आ जाएगा, बीसवें से पांच में आ रहा है, ये हो जाएगा एन टू और ये हो जाएगा एन वन, फार्मूले मान रख दो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए, तल में आए, तो इस फार्मूले द्वारा, अगर वो ऊपर से नीचे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आए तो ये फार्मूला, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भैया ये आपके पास हो गई क्या क्या चीजें, ये तो हो गया आपके पास स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आपको सीरीज मिलती हैं, लाइमन बामर पाशन ब्रेकटफुंड और हेमफ्री सीरीज आपको मिलेंगी, ये तो बात इसकी हो गई। दूसरी बात है कौन से रीजन में मिलेंगी, यूवी विजिबल और आईआर में मिलेंगी, एक होगा एन वन एक होगा एन टू। एन वन का मतलब, एन वन का मतलब किस में आ रहा है, एन टू का मतलब किस से आ रहा है, लाइमन, एन वन एन बराबर एक, एन टू दो तीन चार पांच छह सात बामर, एन वन कितना दो बाकी ऊपर। पाशन की बात करें, चलो पाशन में इलेक्ट्रॉन आ कहां आ रहा है, एन बराबर तीन में आ रहा है, कहां से आ रहा है, चार पांच छह सात से, चार पांच छह सात इनफिनाइट से, पाशन की बात हो गई। लाइमन की बात करो, एक में आ रहा है कहां से, दो से आ रहा है, तीन से आ रहा है, चार से आ रहा है, पांच से आ रहा है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि हाइड्रोजन गैस में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो आपको बहुत सारी लाइनें मिलती हैं, और उन लाइनों को आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और उसमें आपको क्या क्या मिलेंगी भाई, लाइमन बामर पाशन ब्रेकटफुंड और हेमफ्री श्रेणियां मिलती हैं। ये आपके पास एक स्टार्टिंग थी इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कल अपन इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे।